जब बात डॉग ब्रीड की आती है तो स्मार्ट ब्रीड होना काफी आम बात है, लेकिन जर्मन शेफर्ड स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है। इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग जर्मन शेफर्ड तीसरे नंबर पर आता है। अगर आप भी जर्मन शेफर्ड के ओनर हैं या इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपको इनके बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात परफेक्ट डॉग ब्रीड की आती है तो सबसे पहले जर्मन शेफर्ड का नाम लिया जाता है। जर्मन शेफर्ड भारत समेत कई देशों में मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है, जिसे ज्यादातर लोग पालना पसंद करते हैं। इन कुत्तों में ऐसी बहुत सी खास बात होती है जो बाकी कुत्तों में नहीं है, और हो सकता है आप इन फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे, जैसा कि जर्मन शेफर्ड को सबसे पहले किसने ढूंढा था। तो हम आपको बता दें कि जर्मन कैलिबरी के कैप्टन मैक्स ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले जर्मन शेफर्ड को ढूंढा। जर्मन शेफर्ड के नेचर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये गोल्डन रिटायवर या दूसरे डॉग ब्रीड्स की तरह फैमिली डॉग नहीं होते हैं, जो बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। ये बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, जिन्हें आजकल पुलिस फोर्स और मिलिट्री में रिस्क एंड सर्च ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप जर्मन शेफर्ड को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी जर्मन शेफर्ड के ओनर हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि इनको एक रिस्पॉन्सिबल ओनर की जरूरत होती है। कोई भी इंसान ऐसे ही जर्मन शेफर्ड को नहीं संभाल सकता। ये डॉग अच्छे होने के साथ साथ एग्रेसिव होते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दोगे तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें अडॉप्ट करने से पहले आपको रिस्पॉन्सिबल ओनर बनना होगा और एक अच्छे डॉग ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। किसी भी डॉग ब्रीड को पालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कुत्ते को खरीद रहे हैं, क्या वो एक फैमिली ब्रीड है या नहीं। अगर बात जर्मन शेफर्ड की जाए तो ये फैमिली के लिए ही बना है। ऑब्वियसली ये एक फैमिली डॉग ब्रीड है, लेकिन कभी कभी कुछ फैमिली जर्मन शेफर्ड को संभाल नहीं पाती। तो अगर आप भी केवल शौक के लिए जर्मन शेफर्ड को घर ला रहे हैं और आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे सकते या फिर रिस्पॉन्सिबल ओनर नहीं बन सकते, तो प्लीज आपको जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ये आपके परिवार और पड़ोसी दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं। जर्मन शेफर्ड भले ही स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड में से एक हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कुत्ता एक अच्छा फैमिली डॉग बनकर रहे, तो आपको शुरुआत के 2-3 साल में इसे ज्यादा टाइम देना होगा। आपको इसके सभी तरह के बिहेवियर को समझना होगा। ये बाहर जाकर लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है, इसे लोगों के साथ घुलने मिलने में कितना टाइम लगता है, कहीं ये पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों को काटने के लिए तो नहीं दौड़ता। इन सब से बचने के लिए आपको इसे अच्छी चीजों के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। इसे एग्रेसिव और फैमिलियर दोनों बिहेवियर के लिए प्रिपेयर करना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तभी आपको जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको जर्मन शेफर्ड ही पसंद है, तो आपके लिए ओबेडियंस ट्रेनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसके जरिए आप डॉग को अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। जब भी World War I की बात आती है, तो वहाँ पर जर्मन शेफर्ड का नाम भी जरूर मिल जाता है। इन्होंने World War I में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जब अमेरिकन सोल्जर जर्मन सोल्जर के साथ लड़ रहे थे, तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जर्मन शेफर्ड कितने इंटेलिजेंस और कैपेबल डॉग हैं, उन्हें किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस में यूज किया जा सकता है। जब से कुछ अमेरिकन सोल्जर जर्मन शेफर्ड को अपने साथ अमेरिका से लाए और ये धीरे धीरे पॉपुलर होते गए, और आज इनकी पॉपुलैरिटी US में दूसरे नंबर पर है। आज तक आप सभी ने जर्मन शेफर्ड को गोल्डन एंड ब्लैक और शायद ब्लैक और सिल्वर कोट में देखा होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मन शेफर्ड व्हाइट कोट में भी आते हैं। व्हाइट कोट वाले जर्मन शेफर्ड देखने में बहुत ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लगते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप रिम टिंटिन जर्मन शेफर्ड डॉग के बारे में जानते हैं? ये वो जर्मन शेफर्ड डॉग है जिसे World War I के बैटलफील्ड से एक अमेरिकन सोल्जर ने रेस्क्यू किया था। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। रिम टिंटिन ने अभी तक 27 हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग की है, जो कि आज तक किसी भी डॉग ने शायद न किए हों। है ना मजेदार फैक्ट।
अगर बात करें जर्मन शेफर्ड के सेंस ऑफ स्मेल की, तो ये इस मामले में चौथे नंबर पर आते हैं। अगर ये किसी स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इनके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट इन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती। ये उस स्मेल का खुलासा करके ही दम लेते हैं। आजकल ये डॉग सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको इनसे रिलेटेड मिलियंस वीडियोस मिल जाएंगी। यानी कि हर कोई जर्मन शेफर्ड को पालने का क्रेज रखता है। जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने ओनर के प्रति होते हैं। अगर इन्हें इस बात की जरा से भी भनक लग जाए कि इनका ओनर खतरे में है या उन पर हमला होने वाला है, तो ये उसे बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। अपने ओनर को सेफ रखना ये अपनी सबसे बड़ी और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। इनके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल तो आपने जरूर सुना होगा, जब वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन सोल्जर के एक जर्मन शेफर्ड की आंख में गोली लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने ओनर को बचाने के लिए मरते दम तक दुश्मनों से फाइटिंग की। तो दोस्तों, ये थे जर्मन शेफर्ड के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।